वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डे टू डे की बात को लेकर या फिर करंट में जो भी कुछ चल रहा होता है उसकी बात को लेकर आप लोगों के सामने मुखातिब होते हैं और आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया की ताकत बढ़ी है उसको देखते हुए ये कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया लिटरली आज की डेट में इतना पावरफुल टूल बन चुका है जो कि सरकारों को हिलाने का मादा रखता है। अब ऐसे में कई सारी सरकारें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर नकेल कसने के लिए तरह तरह के कदम उठाती रहती हैं। अब अगर हम हमारे ही देश की बात करें तो भारत में कई सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं, लेकिन कई सारे अगर हम ऐसे यूट्यूबर्स की बात करें जो कि डे टू डे के मुद्दे उठाने की बात करते हैं तो उनमें रवीश कुमार जी का नाम, अजीत अंजुम जी का नाम, अभिसार शर्मा और कई सारे पत्रकार ऐसे मौजूद हैं, जैसे बरखादत भी आजकल मोजो स्टोरी करके कुछ है उसके थ्रू सबके सामने आती हैं। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके के ऊपर इस तरह से कई सारे वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात को आगे रखने का काम करते हैं। लेकिन देखिए कई बार होता क्या है, अपनी बात रखने के पीछे या फिर यूं कहें कुछ भी प्रोपेगेंडा जब इनके साथ जुड़ा होता है तो कई बार खबर को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश किया जाता है या फिर आधा अधूरे ज्ञान के साथ पेश किया जाता है कि सामने वाले तक भी वही आधा अधूरी बात या फिर टूटी फूटी बात पहुंचती है। तो ऐसे में कई बार अफवाहों को फैलाने का भी काम किया जाता है। भाई कई सारे लोग हैं जो कि न्यूज़ पोर्टल्स का इस्तेमाल भी इसी काम के लिए करने लगे हैं। अभी कुछ ही समय पहले सरकार ने कई सारी गैम्बलिंग ऐप्स को भी इसी तरह से बैन करने की बात कही थी क्योंकि कई सारी जो ऐसी गैम्बलिंग की ऐप्स थी वो न्यूज़ पोर्टल्स बनाकर उनका इस्तेमाल इस तरीके से कर रही थी अपनी गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए। अब सरकार ने लेकिन एक नया अमेंडमेंट लाया है, सरकार ने इसी प्रकार की खबरों के ऊपर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब क्या कुछ उन्होंने कदम उठाया है और क्या इस पूरे चक्र में हुआ है जिससे कि YouTube सहित कई सारे सोशल मीडिया जो संस्थान हैं उनके ऊपर मौजूद रहकर पत्रकारिता, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करने वाले लोगों के ऊपर इससे क्या व्यापक तौर पर असर पड़ेगा या फिर क्या भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, उसी बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक अब खुद सरकार करेगी। सरकार ने इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई मीडिएटर मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में फेल होते हैं, जैसा कि MeToo मतलब कि संस्थान द्वारा फेक के रूप में मार्क किया गया हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म IT एक्ट की धारा 79 के तहत सेफ थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंस सकता है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। IT एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए किसी भी कानूनी दायित्व से सुरक्षित किया जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी है जहां पर लोग अपने विचार शेयर करते हैं। बेसिक सी बात है, यहां पर इस बात को आप इस बात से भी जोड़ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी जुड़ा हुआ था। वहीं अगर हम समझें कि सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है तो भाई सरकार ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। सरकार का कहना है कि कुछ लोग मानेंगे कि इससे लोगों की आवाज़ को सेंसर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है और कोई ऐसी पार्टी है जिसके भड़काऊ कॉन्टेंट डाला है तो वो धारा 79 के तहत सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई फेक कॉन्टेंट डिलीट नहीं करता है तो उसे कानूनी परिणामों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। IT नियमों में ये बदलाव सरकार द्वारा जनवरी में एक मसौदा जारी करने के बाद आया है। अब जाहिर सी बात है इससे कई सारे लोगों को परेशानी होने वाली। अब इस बात को समझिए कि IT एक्ट की धारा 3(1)(b) के वी के तहत जो बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार सरकार ने अब अपने पहले के मसौदे से PIEB और फैक्ट चेक यूनिट को हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि हम इन फैक्ट चेकिंग यूनिट्स के लिए कुछ जवाबदेही भी बनाएंगे, चाहे वो सरकारी फैक्ट चेकर हो चाहे वो प्राइवेट फैक्ट चेकर यूनिट हो। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस कदम को असंवैधानिक भी बताया है। एक बयान में कहा गया है कि सरकार की किसी भी यूनिट को इस तरह की मनमानी ऑनलाइन कंटेंट की प्रामाणिकता तय करने का अधिकार देना संवैधानिक नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी बातें जो हैं ये YouTube कम्युनिटी के ऊपर जितने भी इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उन सब में से किसी को भी अच्छी नहीं लग रही, और इसीलिए एक बड़ा वर्ग है जो कि इस पूरी खबर का काफी ज्यादा खंडन भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, और व्यापक तौर पर ऐसे लोगों के बीच में कुछ मतलब बात जो है वो बैठ भी नहीं पा रही। अब जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे हम रवीश कुमार की बात कर लें, अजीत अंजुम की बात कर लें, किसी की बात कर लें, इन सबको काफ़ी समस्या होने वाली है। और इसी समस्या को देखते हुए अब कई लोग जो हैं आवाज़ भी उठा रहे हैं और वहीं कह रहे हैं कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधे सीधे मतलब उल्लंघन है और ये आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।